नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है रिंग एयर ब्लोअर और इसका यूज एक्वाकल्चर में कैसे होता है। तो शुरू करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। मैकेनिकल एरेशन का बड़ा रोल हो गया है आजकल, क्योंकि हायर स्टॉकिंग डेंसिटी में कल्चर होने लगा है पॉन्ड्स में, और नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं जैसे रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। इन सब में बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई करने का बहुत चलन हो गया है। जो ब्लोअर होता है उसका या कोई एरेटर होता है उसका जो मुख्य फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो भी स्पीशीज कल्चर की जा रही है उसके ऑक्सीजन की डिमांड्स को फुलफिल करे, और एक्वाकल्चर में जो भी प्रोसेसेस चलते हैं उनकी डिमांड्स को भी पूरा करे, लेकिन कम से कम लागत में। किसी भी एरेटर या ब्लोअर की एफिशिएंसी, वो कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में हमें दे पाएगा उस पर निर्भर होगी। यही फाइनल है। इसके पहले तमाम चीज़ें कि कितने हॉर्स पावर का है, क्या है और कितना हमारा वॉल्यूम है, उसमें कितने हॉर्स पावर का एरेटर लगाएंगे, वो कितनी हवा फेंकेगा, कितना प्रेशर है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। फाइनल आउटकम यही है कि क्या डिजॉल्व ऑक्सीजन जो हमको रिक्वायर्ड चाहिए वो मिला कि नहीं, उसी से एफिशिएंसी निर्धारित होगी। कई फैक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है ब्लोअर या एरेटर्स को चूज़ करने के लिए। उसमें सबसे पहले तो ये है कि स्पीशीज़ आप कौन सी कर रहे हैं, मछली कर रहे हैं या श्रिम्प कर रहे हैं, दोनों में अघात भेद है। डेप्थ कितनी है, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर ज़्यादा है तो फिर काफ़ी अच्छा आपको ब्लोअर चाहिए जो कि काफ़ी प्रेशर से हवा दे सके। पॉन्ड में आप कर रहे हैं या टैंक में कर रहे हैं, टाइप ऑफ कल्चर क्या है आपका, RAS है या बायोफ्लॉक है, और डिफ्यूज़र आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जो है रेट जो है ट्रांसफ़र जो हवा का होगा वो निर्धारित होगा। बहुत एफिशिएंट हमको डिफ्यूज़र चाहिए होता है। कई तरह के डिफ्यूज़र होते हैं, जैसे स्टोन्स हैं, एरोक्सी ट्यूब्स हैं, डायफ्राम है, इसको भी एक सोच समझ के लेना पड़ता है ताकि हमारा जो एरेटर है उसकी एफिशिएंसी पूरी की पूरी हमको मिले। अभी हम लोग बात करेंगे रिंग एयर ब्लोअर की, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स। रिंग एयर ब्लोअर में सेलेक्ट करना पड़ता है सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है। अलग अलग मॉडल अलग अलग प्रेशर और अलग अलग कैपेसिटी और अलग अलग पावर के होते हैं। हमारे सेंटर में ये सारे लगे हुए हैं जो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 750 वाट का है, ये 90 वाट का है, काफ़ी छोटा है, ये 400 वाट का है और ये 250 वाट का है। इन सब का अलग अलग काम है जिसकी वजह से ये हमने अपने सेंटर में लगा रखे हैं, पॉन्ड में लगा रखे हैं। आगे आपको दिखाते हैं। ये हॉट एयर प्रोड्यूस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आगे जो पाइप हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो कैसे हम लोग उसका चयन करेंगे ये भी इसमें बताया गया है। तो आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। ये वीडियो देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर में सेंटर के लगा हुआ है, 400 वाट का है, ये पूरे सेंटर में हवा देता है, पूरी पाइप लगे हुए हैं। हमारा सेंटर करीब 10,000 स्क्वायर फिट का है, इसमें ट्रेंचेस बनी हुई, एक्सपेरिमेंटल बायोफ्लॉक का सेटअप चलता है और RAS भी हैं दो, एक 2 टन का है और एक 4 टन का है। तो यहाँ से हम लोग हवा इसमें लेते हैं। रिंग एयर ब्लोअर जो होता है ये इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम ही अच्छा खासा देता है। अगर हम 2 से 2.5 फिट तक ही रहें तो हमें डिलीवरी भी एयर की बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर इससे नीचे जाएंगे तो उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पर ये इसकी एफिशिएंसी गिरने लगती है, RPM भी गिरने लगता है और उसी वजह से एफिशिएंसी गिर जाती है। तो फ्लो रेट जो है 50 से 60% ही रह पाता है। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर एक इस तरह से डिस्क्रिप्शन की प्लेट लगी रहती है जो इसमें भी है। इसमें 3 चीज़ें हम लोगों के लिए मुख्य हैं। पहला तो ये कि कैपेसिटी कितनी है, हवा कितनी है फेंक रहा है प्रति घंटे, दूसरा ये कि इसमें प्रेशर कितना है, और तीसरा ये पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो आइए देखते हैं इसको बारी बारी। जो 750 वाट वाला है वो 160 मिली बार का प्रेशर देगा और करीब 150 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की हवा फेंकेगा। 150 क्यूबिक मीटर का मतलब हो गया 1.5 लाख लीटर प्रति घंटे। दूसरा 400 वाट वाला है, ये 105 क्यूबिक मीटर हवा फेंकता है एक घंटे में और इसका प्रेशर जो है वो 130 मिली बार है। और ये 250 वाट वाला, ये 80 क्यूबिक मीटर हवा फेंकता है, इसका प्रेशर 110 मिली बार है।
आप यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे पावर कम होती जा रही है वैसे वैसे प्रेशर भी कम होता जा रहा है और वैसे वैसे कैपेसिटी भी कम होती जा रही है। तो इसलिए जो भी आप चयन करें अपने जरूरत के अनुसार, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि 2.5 फीट से नीचे आप जो है डिफ्यूजर ना लगाएं, नहीं तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो इसकी एफिशिएंसी को डाउन कर देगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। ये पॉइंट मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। एकोमैथ के तहत एक और चीज़ें जान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं और ये बिजली बहुत खाते हैं। ऐसा ना हो कि आपको पता ना चले और ये इतना बड़ा बिल आ जाए कि आपका दिल घबराने लगे। तो बिल से दिल घबराता है, नो डाउट। तो आइए थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक जो कंजम्पशन होता है वो एनर्जी पर निर्भर करता है। एनर्जी मतलब कितने वाट की मोटर है और कितनी देर चली, यानी कि वाट आवर या किलो वाट आवर अगर आप बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं, यानी कि अगर कोई अप्लायंस है आपका, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, वो 1 किलो वाट का पावर रखता है और उसे आप 1 घंटा चला देंगे तो 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट आपकी खर्च हो जाएगी। जैसे ये 750 वाट वाला अगर हम रिंग एयर ब्लोअर चलाएंगे तो इसको अगर किलोवाट में बोलेंगे तो 0.75 ही वाट किलोवाट बोलेंगे। तो 0.75 किलोवाट गुणे 24 घंटा तो ये बराबर 18 यूनिट आ गई एक दिन में। और अगर 30 दिन में देखें तो 18 × 30 यानी कि 540 यूनिट एक महीने में ये खा जाएगा। अलावा इसके जो फिक्स चार्जेस हैं वो भी हैं, साथ में ईंधन समायोजन आकार भी होता है, वाहन आकार भी होता है, 16% टैक्स भी लगता है। तो ये समझ लीजिए कि जितना आपकी बिजली ये खर्च हो रही है, जितना पैसा आप यूनिट पे दे रहे हैं, लगभग उतना ही ये बाकी के खर्चे भी हो जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि 540 यूनिट का हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक में है स्लैब, वो 11 रुपये 86 पैसे है, उस हिसाब से ये 6,404 रुपये का आपको एक महीने में बिल दे देगा। लेकिन इसके अलावा लगभग इतना ही एक्स्ट्रा खर्चे भी आएंगे जो भी हमने आपको बताया, तो कुल मिला के ये 10,000 के ऊपर बड़े आराम से चला जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को सुझाव है कि कभी भी आप कल्चर करें, एक्वाकल्चर करें, तो एग्रीकल्चर वाला कनेक्शन लें जिसमें सब्सिडाइज्ड रेट पर आपको बिजली मिलेगी, लगभग 2 रुपये या 3 रुपये पर यूनिट ही आपको देना पड़ेगा। अब फिटिंग्स की बात कर लेते हैं। जो फिटिंग रिंग एयर ब्लोअर में लगेगी वो दो तरह की फिटिंग्स आती हैं। एक होता है CPVC यानी कि क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोरीन पाइप्स, ये हाई टेम्परेचर के लिए बने होते हैं। मतलब अगर आप अनप्लास्टिसाइड जैसे वाइट कलर वाला लेंगे तो वो टेम्परेचर को ज़्यादा सहन करने के लिए नहीं बना है। तो उसके मुकाबले में जो ये UPVC होता है, तो आपको रिंग एयर ब्लोअर के लिए CPVC पाइप लेना पड़ेगा। ये महंगे होते हैं और थोड़े येलो कलर के होते हैं, और UPVC जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और उस पर एक ब्लू रंग की लाइन लगी रहती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि नहीं तो वो पाइप जो है धीरे धीरे मुड़ जाएंगे आपके, पिघलने लगते हैं और उसका शेप बदलने लगता है। तो UPVC आप इस्तेमाल करें। देखें हमारे यहाँ ये लगा हुआ है, बायोफ्लॉग के 2 टैंक हैं 12,000 लीटर के, उसमें ये 250 वाट का रिंग एयर ब्लोअर लगा हुआ है, इससे दोनों तरफ कनेक्शन है दोनों टैंक में। और इसमें शुरू के जो पाइप हैं इतनी दूर तक, ये हम लोगों ने UPVC के नहीं लगाए हैं, CPVC के लगाए हैं, क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोरीन के पाइप लगे हैं। इनकी सारी एसेसरीज भी इन्हीं की लगी हैं, तो ये टेम्परेचर को आराम से झेल लेते हैं। और आगे आप चाहें तो फिर UPVC भी लगा सकते हैं खर्चा बचाने के लिए, क्योंकि जो CPVC है वो महंगा होता है। तो आप ये वीडियो देखिए, ये 250 वाट का रिंग एयर ब्लोअर है, इससे पाइप निकला, ये इसका एयर फिल्टर है जब ये जहाँ से हवा सक करता है और इधर से डिलीवरी देता है। ये सारा पाइप जो है वो CPVC लगा हुआ है, ये टेम्परेचर को अच्छी तरह से झेल लेता है। आप भी CPVC का ही इस्तेमाल करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है डिफ्यूज़र का भी थोड़ा सा बता देते हैं। डिफ्यूज़र को भी अच्छी तरह से समझ के उसका आप चयन करें। और बायोफ्लॉक अगर आप कर रहे हैं तो बायोफ्लॉक के फ्लोर पे ज़मीन में आप कोई भी चीज़ रखेंगे नहीं, हर चीज़ सस्पेंडेड रखेंगे, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप रखेंगे ज़मीन में तो उसमें फ्लॉक फंसेगा, एनएरोबिक जोन बनेगा और फिर सारी प्रॉब्लम से शुरू हो जाएंगी। ये एरोक्सी ट्यूब है, ये भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये एक ग्रीन लाइन वाला आता है, एक वाइट लाइन वाला आता है। वाइट लाइन वाला जो है काफ़ी एफिशिएंट होता है, इसके पूरे के पूरे रोल आते हैं, आप खरीद सकते हैं।
और उस रोल में से जितनी ज़रूरत है उस तरह से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये एयर स्टोन्स होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, इनको भी खरीदा जा सकता है, ये अच्छी तरह से डिफ्यूज़ करते हैं। और डायफ्राम एयर डिफ्यूज़र्स भी आते हैं, ये माइक्रोफाइन बबल्स बनाते हैं, इनका भी अच्छा इस्तेमाल होता है। साथ में कुछ कंट्रोल वायर्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, ये सब मिलते हैं बाज़ार में, एक्वेरियम की दुकान पर मिल जाएंगे आपको। पाइप आप बहुत अच्छा सा लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, नहीं तो बहुत जल्दी ब्रिटल हो जाता है, फिर ये किसी काम का नहीं रहता, फ्लेक्सिबल पाइप। इस तरह से हम लोगों ने ये पीवीसी पाइप का फ्रेम बनाया हुआ है और उसमें ये हाई एफिशिएंसी वाइट लाइन वाला एरोक्सी ट्यूब लगाया हुआ है। और एक और हम लोग ने इस तरह से फ्लोट बनाया है, इस फ्लोट को पाइप का फ्लोट है पूरा, इसमें एक डिब्बा लगा हुआ है बड़ा सा 35 लीटर का एयर टाइट, इसमें ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ फ्लोट है, ये उल्टा रखा हुआ है और इसमें ऊपर की तरफ हम लोग जो है एरोक्सी ट्यूब को अच्छी तरह से प्लास्टिक की टाई से बांध करके और इसे तालाब में इस्तेमाल करते हैं ताकि बहुत बढ़िया इसमें एरेशन होता है। ये वीडियो देखिए आप, इसको कैसे बनाया है हम लोगों ने, इस तरह से ये फ्रेम बना लिया, इसमें डिब्बा लग जाएगा। अब बाद में नीचे चार जो है वो टी लगे हुए हैं, उनसे एक्सटेंशन पाइप लगा करके और फिर जो है इसे हम लोग तालाब में इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। ये रस्सी के सहारे इसे सस्पेंडेड कर रखा है, ये हवा में तैर रहा है और पाइप की जो लंबाई है वो 2.5 फीट से कम है तो वो हमेशा 2.5 फीट से कम रहेगी, तो पानी का लेवल कम होगा तो ये नीचे चला जाएगा, पानी का लेवल ज़्यादा होगा तो ऊपर हो जाएगा, तो हमेशा एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को ही वो झेलेगा। इस तरह से एक मेटल का फ्रेम बना करके भी हम लोगों ने एरोक्सी ट्यूब लगाया है जिसको कि दूसरे तालाब में रखा हुआ है, इसका भी ये वीडियो देखिए। ये एरेटर 1 किलोवाट का है और ये 150 क्यूबिक मीटर हवा फेंक रहा है प्रति घंटे। ये दो तालाब में हम लोगों ने इसको लगाया है और इसको आप देखें बड़ी अच्छी हवा निकल रही है। ये वाला अरेंजमेंट जो है वो रिंग एयर ब्लोअर के काफ़ी पास है, मगर जो दूसरा वाला अरेंजमेंट है उसे हमें एक दूसरे तालाब से हो करके भी बहुत दूर ले जाना पड़ा है, वो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, आप देखें इसे। और ये पाइप जो है शुरू में हम लोगों ने CPVC लगाया और बाद में ग्रे पाइप का इस्तेमाल किया, और पाइप जो है वो पानी में पड़े हुए हैं तो गर्म होने की कोई संभावना भी नहीं, तो यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे खासे पैसे जो है वो बचा लिए। ये पाइप 20-20 फीट के ले आए ग्रे वाले और इन्हें जोड़ करके और इन्हें एक्सटेंड करके काफ़ी दूर ले जा करके अपने पॉन्ड नंबर 1 में एरेशन का इंतज़ाम किया है, फ्लोट वाला एरेशन वहाँ पर लगाया है। ये देखिए चलते हुए हमारे यहाँ पर आपको भी दिखाते हैं, यहाँ पे भी कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। और ये फ्लेक्सिबल पाइप से हम लोगों ने ये फ्लोट लगाया, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन वो रस्सी टाइट करने पे वो सीधा हो जाएगा, अब बेहतरीन एरेशन यहाँ पर हो रहा है। और आप देखें ये कितनी दूर से हम लोग लेकर के आए हैं, यहाँ वोल्टेज अच्छा है इसलिए ये एरेटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये देखिए कितनी दूर से है ये। टैंक का एरेशन देखिए, यहाँ 250 वाट वाला लगा हुआ है, ये भी सारे यहाँ पर स्टोन्स लगा रखे हैं हम लोगों ने और एयर लिफ्ट्स लगा रखे हैं, ये बहुत बेहतरीन यहाँ पर एरेशन पूरे टैंक में, कहीं भी कोई एनएरोबिक जोन या ई रोटेशनल जोन्स बिल्कुल भी नहीं बने हुए हैं। तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा रिंग एयर ब्लोअर में कि ये हमेशा गर्म हवा प्रोड्यूस करता है और अच्छी खासी गर्म, आप छू नहीं सकते हैं, इसलिए आपको CPVC पाइप का ही इस्तेमाल और सारी एसेसरीज वही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो डिफ्यूजर्स हैं उनको आप 2.5 फीट से नीचे बिल्कुल भी मत लगाइएगा, नहीं तो आपका काफ़ी नुकसान होगा, हवा आपको प्रॉपर मिल नहीं पाएगी। जैसे वहाँ लिखा हुआ है कि ये 150 क्यूबिक मीटर हवा फेंकता है एक घंटे में, तो 150 से कम हो जाएगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और डिफ्यूज़र्स को जो है आप जो है हर वीक साफ़ करिए, ये बहुत ज़रूरी, नहीं तो वो क्लॉग होने लगते हैं और फिर उनसे हवा कम निकलती है, वो बैक प्रेशर देने लगते हैं मशीन के ऊपर। और एग्रीकल्चर कनेक्शन ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो बिल इतना आएगा कि दिल घबराने लगेगा। तो ये रही सब रिंग एयर ब्लोअर के बारे में जानकारी, अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अल्लाह हाफिज़।